Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Reedy College, University of Allahabad. And we are going to discuss today a very, very important, relevant and logical topic in educational psychology, that is role of advanced organizers in learning. अधिगम में अग्रिम आयोजकों की भूमिका या अधिगम में अग्रिम आयोजक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. बहुत सवाल पूछे जाते हैं इससे और बहुत सारे कंसेप्ट इससे मिलते जुलते हैं, इसलिए भी ये बहुत प्रभावी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ज़रूर पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, आपके बीएड एमएड बीए एमए के सिलेबस में, जहाँ कहीं भी होता है इससे सवाल ज़रूर पूछते हैं. एडवांस ऑर्गेनाइजर पे शॉर्ट नोट्स लिखो, यही पूछ लेते हैं. तो अक्सर थोड़ा सा टिपिकल जान पड़ता है स्टूडेंट्स को. तो आई थिंक कि दिस लेक्चर विल बी यूजफुल टू यू ऑल, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड टू गेट माई फ्यूचर वीडियोज टू बाई नोटिफिकेशन ऑन द बेल आइकन. ओके, so let's start. First of all, role of advanced organizer in learning, जैसा कि टॉपिक है, कहाँ से शुरू करें इस टॉपिक को, तो शुरुआत हमको करनी पड़ेगी डेविड ऑस्बल. डेविड ऑस्बल साहब जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया, तो ये कंसेप्ट इन्होंने कहाँ दिया? ये डेविड ऑस्बल ने अपनी एक थियरी दी, सबसम्पशन थियरी. उस सबसम्पशन थियरी में वो बात कर रहे हैं मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग की, और उस मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग को बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए उन्होंने एक एपरेटस की तरह, एक टूल की तरह एडवांस ऑर्गेनाइजर को यूज़ किया है. तो वहाँ से चलना पड़ेगा, पीछे से चलना पड़ेगा. मतलब पहले ऑस्बल, फिर सबसम्पशन थियरी, फिर मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, तब एडवांस ऑर्गेनाइजर आएगा. तो बहुत लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी में इसको कवर करने की कोशिश की कि आप एकदम जिस्ट समझ जाएं, क्योंकि सबसम्पशन थियरी को समझाने के लिए एक अलग से वीडियो, एक अलग से टॉपिक है वो. ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये. ऑस्बल इनविजन्ड एन एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर एज अ ब्रिज बिटवीन व्हाट द लर्नर्स ऑलरेडी नो एंड द नॉलेज नीडेड फॉर अ टास्क कैन बी परफॉर्म. ये कह रहे हैं कि इन्होंने इनविजन किया, इन्होंने देखा, इन्होंने ऐसा माना एडवांस ऑर्गेनाइजर को कि क्या है वो, एक सेतु है. सेतु की भांति है किसके बीच में, व्हाट द लर्नर्स ऑलरेडी नो, यानी कि वो जो सीखने वाला है, जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, जो पहले से जानता है, और वो कौन सी नॉलेज है जो उसको चाहिए, जो अब वो जानने जा रहा है, जो टास्क वो करने जा रहा है, उसके बीच में जो गैप है, लर्निंग गैप, उसको पाटने के लिए ये सेतु है. एन एडवांस ऑर्गेनाइजर इज ए कॉग्निटिव स्ट्रेटजी प्रपोज्ड बाय ऑस्बल इन हिज सबसम्पशन थ्योरी. मैंने आपको बता दिया कि वो जब अपनी सबसम्पशन थ्योरी दे रहे थे, उसमें इन्होंने एक कॉग्निटिव स्ट्रेटजी की तरह एडवांस ऑर्गेनाइजर को यूज किया. अब हम यहीं पर एक बात बता दें, कहीं मिस ना हो जाए, कि जब हम टीचिंग मॉडल्स पढ़ते हैं, मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की जो कैटेगरी आती है, बहुत सारी कैटेगरीज के मॉडल है, उसके एग्जाम्पल में भी हम डेविड ऑस्बल का एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ही पढ़ते हैं. लेकिन वो टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग ईटी का हिस्सा हो जाता है, इसलिए हमने उस मॉडल को कवर नहीं किया इसमें, उसके लिए अलग से बात करनी पड़ेगी, लेकिन चीज़ वही है. ओके, तो सबसम्पशन थ्योरी क्या है? विच अलाउज द लर्नर टू रिकॉल एंड ट्रांसफर प्रायर नॉलेज टू द न्यू इन्फॉर्मेशन बीइंग प्रेजेंटेड. मतलब ये अनुमति देता है लर्नर को कि वो रिकॉल कर सके, पुराना कुछ उसने उससे मिलता जुलता पढ़ा है उसे याद कर सके, और ट्रांसफर कर सके प्रायर नॉलेज जो उसने पहले से पढ़ रखा है टू द न्यू इन्फॉर्मेशन बीइंग प्रेजेंटेड. जो नई इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है ना ये, तो ये कॉग्निशन की बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं. ओके, तो दिस थियरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग इज फैसिलिटेटेड इफ द लर्नर कैन फाइंड मीनिंग इन द इन्फॉर्मेशन. ये कह रहे हैं कि लर्नर तब अच्छे से सीख पाता है, उसकी लर्निंग रिटेंशन होता है, उसमें ज़्यादा रिटेंशन होता है जब उसको लगता है कि जो सूचना उसको मिल रही है वो अर्थपूर्ण है, उसमें वो कुछ अर्थ पाता है. और अर्थ कब पाएगा? जब उसको लगता है कि वो सूचना उसने पहले से कुछ पढ़ रखा है उससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं उसमें फिट इन हो रही है इन्फॉर्मेशन जाके, तभी वो उससे अर्थ निकाल पाता है. स्ट्रिकलैंड ने क्या कहा? आइडेंटिफाइड कॉमन फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव एडवांस ऑर्गेनाइजर, इट इज ए ब्रिज दैट लिंक्स बिटवीन सिमिलैरिटीज इन द अननोन एंड द नोन, यूज्ड एज एन इंट्रोडक्शन टू न्यू मटेरियल एंड एन एब्स्ट्रैक्ट आउटलाइन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड ए रीस्टेटमेंट ऑफ ओल्ड नॉलेज. मतलब कि जो उसने पहले, जो नोन है और जो अननोन है, जो वो पहले से जानता है और वो जो जानने जा रहा है, उसके बीच में कुछ तो सिमिलैरिटी है ना. कोई चीज़ हम वैक्यूम से तो शुरू नहीं करते, कोई ना कोई उसका बेस होता है, कोई ना कोई उसकी प्रीवियस नॉलेज होती है, तो उसमें जो समानता है उसकी लिंकिंग के काम आता है एडवांस ऑर्गेनाइजर. और एक इंट्रोडक्शन
की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं कि कोई नया टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो एडवांस ऑर्गेनाइजर से शुरू करें। तो क्या होगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन बच्चे के पास पहले से है, स्टूडेंट के पास पहले से है, उसमें इंटरलिंकिंग हो जाएगी, क्रॉस रेफरेंसिंग हो जाएगी, कंपेरिजन हो जाएगा और उसको बेहतर समझ में आएगा। ये ऑसिबल साहब का कंसेप्ट था। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ प्रोपोनेंट्स कौन है, कौन कहाँ से इन्होंने बेस लिया, कौन किससे ये विरोध में थे। ऑसिबल्स थ्योरी हैज कॉमनैलिटीज विद जेस्टाल्ट थ्योरी। देखिए कई बार ये जेस्टाल्ट की तरह चीज़ों को लेकर चलते हैं, जैसे परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है जेस्टाल्ट में, उसी तरीके से इन्होंने भी बात की है कई बार। एंड दोज दैट इन्वॉल्व स्कीमा, देखिए स्कीमा पियाजे से ये प्रभावित है नो डाउट, क्योंकि वो भी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात करें, स्कीमा की बात करें। और बार्टलेट ने भी एक सिद्धांत दिया था जिसमें कि स्कीमा जो है वो सेंट्रल प्रिंसिपल के रूप में इस्तेमाल होता है, तो उनसे यानी कि बार्टलेट की स्कीमा थियरी से, जेस्टाल्ट थियरी से इसमें समानता मिलती है। और देयर आर ऑल्सो सिमिलैरिटीज विद ब्रूनर स्पाइरल लर्निंग मॉडल, यानी कि जो ब्रूनर साहब का स्पाइरल लर्निंग का या स्पाइरल करिकुलम का मॉडल था उससे भी ये समानता शो करता है। तो अब हमको याद करना पड़ेगा कि क्या था ब्रूनर का स्पाइरल करिकुलम, एक बीच में एक्सिस है और उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे करिकुलम घूम रहा है। मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं कि पहले कोई चीज जो है शुरुआत में उसको स्मॉलर लेवल पे, सिंपलर लेवल पे पढ़ाइए, और जैसे जैसे प्रोग्रेसिवली आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो वही बात इन्होंने भी की है। ऑल्दो ऑसिबल एम्फसाइजेस दैट सबसम्पशन इन्वॉल्व्स द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, नॉट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स एज कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी सजेस्ट। यानी कि ब्रूनर से तो ये समानता शो कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, पर कंस्ट्रक्टिविस्ट के विरोध में। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहता है कि न्यू स्ट्रक्चर बनाता है कौन, ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल, लर्नर, और ये क्या कह रहे हैं जो एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसी में हमको रीऑर्गेनाइजेशन करना है। ये किसी न्यू फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं या उसका अपोज कर रहे हैं। ओके, तो इतना बेस तैयार हुआ एडवांस ऑर्गेनाइजर या मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग का। अभी मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग आगे आएगी, या सबसम्पशन थ्योरी का। मतलब सबसम्पशन थ्योरी में कह रहे हैं कि अगर हम कॉग्निटिव स्ट्रेटजी के रूप में एडवांस ऑर्गेनाइजर को यूज करते हैं तो जो लर्निंग होती है वो रोट लर्निंग ना होकर मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग होती है। मतलब कि जो बच्चा सीखता है वो अर्थपूर्ण होता है, सार्थक सीखना होता है, न कि वो बस रटने वाली विद्या होती है। आ गया मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग क्या है ये। इट इन्वॉल्व्स इंटरनलाइजेशन ऑफ द मटेरियल प्रेजेंटेड टू द लर्नर विच टेक्स प्लेस थ्रू प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेटिव रिकॉन्सिलिएशन। ये दो टर्म्स इन्होंने यूज किए कि जो मटेरियल प्रेजेंट किया जा रहा है स्टूडेंट के सामने, लर्नर के सामने, उसको इंटरनलाइज करे, ऐसा होना चाहिए। और कैसे करेगा, प्रोग्रेसिव डिफरेंशिएशन, यानी कि वही स्पाइरल करिकुलम वाली बात, यानी कि पहले आसान और उसके बाद कंपेरेटिवली टफर होता जाएगा। और इंटीग्रेटिव रिकॉन्सिलिएशन, इसका क्या मतलब है, रिलेशनल क्रॉस लिंक्स बिटवीन व्हाट ही हैज ऑलरेडी नो एंड व्हाट ही वांट्स टू नो। जो नोन और अननोन के बीच में क्रॉस लिंकिंग होगी, क्रॉस रेफरेंसिंग होगी, कंपेरिजन होगा, वो इंटीग्रेटिव रिकॉन्सिलिएशन है। दिस इज रिसेप्शन लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग्स अबाउट द कंसेप्ट presented rather than discovered। देखिए इन्होंने discovery learning को भी discard किया। ये discovery learning से भी कह रहे हैं कि meaningful learning बेहतर है, जबकि जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि डिस्कवरी लर्निंग एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है और हमें इसको यूज करना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू ऑसिबल डिस्कवरी मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग इज फार बेटर देन डिस्कवरी लर्निंग। वो कह रहा है कि बच्चे के सामने हमको उस हिसाब से प्रेजेंट कीजिए मटेरियल बस, ताकि वो इंटरलिंकिंग कर पाए, लिंकेज फॉर्म कर पाए, क्रॉस लिंकिंग हो पाए जो कि वो पढ़ रखा है उसने और जो कि उसको पढ़ने जाना है, मतलब पढ़ना है भविष्य में। तो क्या होगा कि वो बेहतर हो जाएगा, अर्थपूर्ण हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। इफर्ट्स प्री रिक्विजिट फॉर मीनिंगफुल लर्निंग, ऑसवेल एंड रॉबिन्सन क्या कह रहे हैं, कंटेंट इज दैट मटेरियल प्रेजेंटेड टू द लर्नर बी केपेबल ऑफ बीइंग रिलेटेड इन सम सेंसिबल फैशन। यानी कि जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो जो उसने पढ़ रखा है उससे किसी ना किसी सेंसिबल फैशन में रिलेट हो। मतलब ऐसा नहीं कि बस हैपजर्ड कहीं से कुछ उससे मिलता जुलता हो, ऊपर से सर्फेस लेवल से निकल जाए, नहीं, सेंसिबली इट मस्ट बी रिलेटेड विद वॉट ही हैज already known। The new information must be fitted into a larger pattern or whole। देखिए जैसे ही उसने larger pattern या whole की बात की तो हम क्या कह सकते हैं कि gestalt से similarity या gestalt से similarity show कर रहा है, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, whole को perceive करते हैं, larger pattern की बात करते हैं, perception की बात करते हैं। Okay,
फिर सेकेंड, दूसरी क्या इम्पोर्टेंट चीज है, द लर्नर मस्ट पजेस रिलेवेंट आइडियाज टू विच द न्यू आइडिया कैन बी रिलेटेड। देखिए वैक्यूम, हमने कहा ना वैक्यूम में कुछ नहीं चल पाएगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज छात्र के पास, विद्यार्थी के पास, लर्नर के पास, इंडिविजुअल के पास होना जरूरी है, उसी पर वो फिट इन होगा जाके। देखिए ये भी कंसेप्ट ये लिया तो इन्होंने पियाजे से ही है, पियाजे कहते हैं ना, लेकिन वो एसिमिलेशन और एडॉप्शन दो की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसको सब ठीक होने को ही कहा है कि बस पुराना नॉलेज है, पुराना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, स्कीमा है, उस पर बस फिट इन होना है, और दूसरा कंसेप्ट इन्होंने छोड़ दिया, बस पियाजे का एक ही कंसेप्ट लेकर आगे चले। तो ये क्या कह रहे हैं कि द लर्नर मस्ट ऑलरेडी हैव एप्रोप्रिएट सबस्यूमिंग कंसेप्ट इन हिज और हर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ ऐसा एप्रोप्रिएट कंसेप्ट होना चाहिए जिससे हम लिंकिंग करा सकें। फाइनली द लर्नर मस्ट एक्चुअली अटेम्प्ट टू रिलेट इन सम सेंसिबल वे द न्यू आइडियाज टू दोज विच आर प्रेजेंटली पजेस्ड। पहले से जो उसके पास आइडिया है उससे संग, मतलब कि एक्टिवली बिहेव करना पड़ेगा, एक्टिवली एक्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअल को, खुद उसको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ताकि जो पहले से उसके दिमाग में कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है और जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आज प्रेजेंट किया जा रहा है उसके सामने, वो उसमें इंटर रिलेशनशिप स्थापित करे। इफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस आर मिसिंग, द एंड रिजल्ट विल बी रोट लर्निंग। वो कह रहे हैं कि ये दो कंडीशंस, मतलब पहला कि जो मटेरियल प्रेजेंट किया जा रहा है उसमें ये केपेबिलिटी होगी वो रिलेट हो सके, और दूसरा कि स्टूडेंट के पास इतनी केपेबिलिटी हो कि जो प्रेजेंट किया जा रहा है उससे वो लिंकिंग स्थापित कर सके, यानी कि पहले से उसके दिमाग में कोई कंसेप्ट उससे रिलेटेड मिलता जुलता भले उसे सिंपलर वर्जन में होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मिसिंग होगी तो लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी, इन अकॉर्डेंस टू डेविड ऑस्बल्स एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो लर्निंग क्या हो जाएगी, सिंपली रोट लर्निंग हो जाएगी। फिर मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग क्या कह रहा है, दिस थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग डील्स विद थ्री कंसर्न्स, तीन मुख्य सरोकार हैं इसके। कौन कौन से? हाउ नॉलेज इज ऑर्गेनाइज्ड, जो ज्ञान है, जो करिकुलम कंटेंट है वो कैसे संगठित है, कैसे संगठित होता है। हाउ द माइंड वर्क्स टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन, जो हमारा दिमाग है वो कैसे, जो हमको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग या लर्निंग कैसे होती है हमारे दिमाग में। एंड हाउ अ टीचर कैन अप्लाई दीज आइडियाज अबाउट करिकुलम एंड लर्निंग व्हेन दे प्रेजेंट न्यू मटेरियल टू स्टूडेंट्स, यानी कि जब हम साइकोलॉजी को जानने वाले हो गए, जब हमको ब्रेन के बारे में पता चल गया, जब हमको लर्निंग समझ में आ गई, तो टीचर क्या करे, कैसे अपने इस ज्ञान को उस तरीके से एप्लीकेशन करे कि क्या बेहतर से बेहतर इंस्ट्रक्शन वो छात्रों को अपने दे। ठीक है, तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि दो जो हैं वो प्रिंसिपल हो गए इंस्ट्रक्शन के, यानी कि हम किस तरह से निर्देशित करेंगे छात्रों को कक्षा में। द मोस्ट जनरल आइडियाज ऑफ ए सब्जेक्ट शुड बी प्रेजेंटेड फर्स्ट एंड देन प्रोग्रेसिवली डिफरेंशिएटेड। ये हो गया ना ब्रूनर का स्पाइरल करिकुलम, कि हम पहले जनरल आइडिया बताएंगे सब्जेक्ट का और फिर हम प्रोग्रेसिवली कठिन होते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, स्पेसिफिक होते जाएंगे। फिर इंस्ट्रक्शनल मटीरियल शुड अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट न्यू मटीरियल विद प्रीवियसली प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन। हमको जरूर से जरूर ऐसा करना है कि जो निर्देशित सामग्री है, जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, जो हम क्लास में प्रेजेंट करने जा रहे हैं स्टूडेंट के सामने, वो जरूर कहीं ना कहीं पुराने मटेरियल से उसका इंटीग्रेशन जरूरी है। फिर हम एडवांस ऑर्गेनाइजर को कैसे सम अप करें, कि एन एडवांस ऑर्गेनाइजर इज अ टूल, एक टूल है यूज टू इंट्रोड्यूस द लेसन टॉपिक। जब हम कोई नया लेसन या नया टॉपिक क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लिए ये टूल यूज होता है। एंड इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द स्टूडेंट्स आर अबाउट टू लर्न एंड द इन्फॉर्मेशन दे हैव ऑलरेडी लर्न। जो बच्चा सीखने जा रहा है उसमें और जो वो पहले से सीख चुका है उसके बीच में रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करता हुआ ये टूल है। दे आर यूज ड्यूरिंग एक्सपोजिटरी इंस्ट्रक्शन। जब हम एक्सपोजिशन करते हैं क्लास में, जब हम एक्सपोजिटरी इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। वट इज द यूज ऑफ एन एक्सपर्ट टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन ए वे दैट मेक्स इट ईजी फॉर स्टूडेंट्स टू मेक कनेक्शन फ्रॉम वन कंसेप्ट टू द नेक्स्ट। यानी कि टीचर जो एक्सपर्ट की तरह यूज होता है क्लास में, वो क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि जो वो पहले से जानता है और वो जो आज जानने वाला है उसके बीच में कनेक्शन स्थापित हो जाए। फिर क्या नहीं है, ये आगे मैं भी आपको बताऊंगी कि क्या नहीं है एडवांस ऑर्गेनाइजर। एन एडवांस ऑर्गेनाइजर इज नॉट अ समरी और रिव्यू ऑफ ए प्रीवियस लेसन। ऐसा नहीं है कि हम आज पढ़ा कर गए और कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आज जो पढ़ा के गए उसकी समरी दे देंगे आपको और हमको लगेगा कि नहीं हमने एडवांस ऑर्गेनाइजर को यूज कर लिया, ये वो नहीं है। इट ऑल्सो डज नॉट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फॉर द करेंट लेसन। ये वो भी नहीं है कि रूपरेखा है जो हमने प्रेजेंट कर दी कि अच्छा हम आज ये पढ़ाने जा रहे हैं, ये इतना सिंपल भी नहीं है। क्या है ये? इंस्टेड इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट थिंकिंग, यानी कि हमको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि हम कंसेप्चुअल लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे, थिंकिंग पे, हायर ऑर्डर थिंकिंग को कहीं स्टिमुलेट कर पाए, तभी तो लिंकिंग होगी, तभी तो क्रॉस लिंकिंग होगी, जो बच्चा पहले से जानता है और जो वो आज जाने वाला है, जिसको आज पढ़ाया जाने वाला है
ओके, इट एक्ट्स एज ए कंसेप्चुअल ब्रिज फ्रॉम द ओल्ड इन्फॉर्मेशन टू द न्यू इन्फॉर्मेशन, यही जो मैंने आपको बात बता दी. फिर अ पर्सन एग्जिस्टिंग नॉलेज अबाउट अ कंसेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वेदर न्यू मेटीरियल विल बी मीनिंगफुल एंड हाउ वेल इट कैन बी लर्न एंड रिटेन. ओके, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स लिंक द मटेरियल किड्स आर ट्राइंग टू लर्न विद व्हाट दे ऑलरेडी नो. मतलब क्या करता है, वो लिंक करते हैं मटेरियल को. बहुत बारी बात हो गई, दे कैन बी हेल्पफुल टू ऑल स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद हो सकता है, बट स्पेशली टू दोज हु स्ट्रगल विद ऑर्गेनाइजेशन एंड अटेंशन. जिनको अटेंशन डिफिसिट हाइपर ऑर्डर डिसएक्टिविटी है, डिसऑर्डर है, कोई इस तरीके की दिक्कत है, उनके संग तो ये और भी फ्रूटफुल साबित हो सकता है. इट कैन इंक्लूड, इसमें क्या क्या आ सकता है, पिक्चर्स आ सकती हैं, कोई वर्बल डिस्क्रिप्शन आ सकता है, कोई उसके बारे में बातचीत की जा रही है, की टर्म्स वो क्या आ सकते हैं, प्री क्वेश्चनिंग टेक्निक्स, कुछ सवाल पूछा जा सकता है, या कल्चरल बैकग्राउंड नॉलेज को भी हम एडवांस ऑर्गेनाइजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे क्लास में गए और कुछ हम कल्चर से रिलेटेड बात करने लगे, अगर हम कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, तो या हमने कुछ सवाल पूछ लिया आपसे कि अच्छा आप ये पढ़ चुके हैं, ऐसा जैसे अक्सर हम लोग बीएड में करते हैं, बीएड में लेसन प्लानिंग में. ओके, देन एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या है, क्या है और क्या नहीं. एडवांस ऑर्गेनाइजर्स आर ऑर्गेनाइजेशनल क्यूज, हम आपको क्यू देते हैं, हिंट कराते हैं आपको, टूल्स दैट हेल्प कनेक्ट द नोन टू द अननोन, जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, ज्ञात और अज्ञात के बीच में कनेक्शन है स्थापित कर सके, वो टूल है. और क्या है, फ्रेमवर्क्स फॉर हेल्पिंग अंडरस्टैंड व्हाट इट इज दैट दे विल बी लर्निंग, और ये भी मदद करता है ये सीखने जाने में कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, क्या सीखने जाएंगे. फिर ये क्या नहीं है, या जो कुछ मिथ्स हैं जो मान लिया जाता है कि एडवांस ऑर्गेनाइजर्स ये हैं, ये नहीं है. क्या अ रिव्यू ऑफ व्हाट वाज कवर्ड इन द प्रीवियस क्लास सेशन, जो पिछली क्लास में पढ़ाया गया उसकी समरी, उसका रिव्यू नहीं है. अ सिंपल ओवरव्यू नहीं है, सिंपली बस कि आज ये बात करना है, ये भी नहीं है. रिकॉलिंग व्हाट वाज डन लास्ट वीक और लास्ट ईयर, पिछले साल या पिछले हफ्ते में कोई काम किया उसका रिकॉल भी नहीं है. टेलिंग द स्टूडेंट्स अबाउट टुमारो, कल क्या पढ़ेंगे ये बताया जाने वाला भी नहीं है. रिकॉलिंग अ पर्सन एक्सपीरियंस एंड रिलेटिंग इट टू व्हाट विल बी लर्न, हमने कैसे अपने समय पढ़ा था और आप कैसे अपने समय पढ़ रहे हैं, इसकी लिंकिंग भी नहीं है, इसका रिकॉल भी नहीं है. क्यों, क्योंकि हमको अपनी थिंकिंग से नहीं जोड़ना है, स्टूडेंट की प्रीवियस और प्रेजेंट थिंकिंग के बीच में इंटरलिंकिंग स्थापित करनी है. और स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन, और आज हम क्लास में जा रहे हैं हम ये पढ़ाने जा रहे हैं, ये भी नहीं कि हम क्लास में गए और सिर्फ हमने उद्देश्य बता दिए कि आज के पाठ के ये उद्देश्य है, तो ये सब एडवांस ऑर्गेनाइजर्स नहीं है. कितने तरीके से किया जा सकता है, कितनी तरीके से यूज किया जा सकता है एडवांस ऑर्गेनाइजर्स को, तो बहुत तरीके हैं, पर जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं, मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं, वो क्या है, एक्सपोजिटरी एडवांस ऑर्गेनाइजर, नैरेटिव एडवांस ऑर्गेनाइजर, स्कीमिंग ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, KWL जो कि मोस्ट पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, और एनालॉजीज या एनालॉगीज. एक्सपोजिटरी एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या है, गिव स्टूडेंट्स अ ब्रॉड आइडिया ऑफ द लेसन पर्पस, यानी कि एक हमको विस्तृत एक विचार प्रस्तुत करना है पाठ के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, छात्र ने जो पढ़ लिया है उसको ध्यान में रखते हुए, कौन सी ऐसी सिमिलैरिटीज हैं जो दोनों के बीच में स्थापित हो सकती हैं, ये सब ध्यान में रखते हुए. फिर नैरेटिव एडवांस ऑर्गेनाइजर्स की तरह, जैसे हम क्लास में अगर हमने कोई स्टोरी सुनाई, ऐसी स्टोरी मतलब वो टैक्टफुली मेड स्टोरी, या कोई ऐसी स्टोरी जो एक्चुअली फिट इन हो जाए सिचुएशन में, कि हम बता सकें कि आप क्या पढ़ चुके हैं और आपको क्या पढ़ाया जाना है. स्किमिंग, टीचर मे आस्क स्टूडेंट्स टू स्किम ओवर अ रीडिंग फोकसिंग ऑन हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन, हम ये कर सकते हैं कि क्लास में अगर मान लीजिए हमारे पास कोई राइटअप है, बहुत बढ़िया सा कोई मॉड्यूल है, तो हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों से बोलें कि बस 60 सेकेंड में, 1 मिनट में आप इसको सरसरी तौर पर देख लीजिए, मतलब खास चीज़ों को देखिए, हाईलाइट क्या है, फोकस क्या है, हमने कुछ हाईलाइट करके ले गए हैं आपके पास, ताकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे अच्छा ये पढ़ना था, इसमें हमको ये पढ़ाया जा रहा है, मतलब सरसरी तौर पर देखना है, स्किमिंग करनी है. ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स भी बहुत मोस्ट पॉपुलरली यूज़ होते हैं, बहुत पॉपुलरली यूज़ होते हैं. क्या है कि हम कोई विजुअल या पिक्चर बना के, जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक हो, कुछ गैप हो, और वो उनको प्रदर्शित करें, और फिर वो जब पढ़ते पढ़ते वो उन गैप को फिल कर सकें. फिर KWL क्या है, नो वॉन्ट टू लर्न ऑन वॉट दे हैव लर्न, मतलब एक हम चार्ट बना लें जिसमें एक तरफ कॉलम हो कि नो क्या, मतलब हम क्या जानते हैं, KNOW वाला नो है, फिर W मतलब वॉन्टेड टू नो, क्या हम जानना चाहते हैं इस पार्ट में, और L जब पार्ट पूरा हो जाएगा तब हम छात्रों से पूछेंगे कि वॉट दे हैव लर्न, क्या उन्होंने सीख लिया, तो ये एक बढ़िया सा कॉग्निटिव उनके लिए एक्सरसाइज हो जाती है. और एनालॉजीज क्या है, कंपेरिजन ऑफ टू थिंग्स दैट आर अलाइक इन सम वे, बहुत सी चीज़ों में सिमिलैरिटी है लेकिन तब भी वो दो कॉन्सेप्ट्स आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये एनालॉगीज या मेटाफर्स भी एडवांस ऑर्गेनाइजर्स के रूप में यूज किए जाते हैं. और अब
हम कंक्लूड कर देते हैं इस टॉपिक को। बहुत बहुत सारे कंसेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व है। सबसम्पशन थियरी जब आप अलग से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि चार तरीके से सबसम्पशन होता है। कोरिलेटिव सबसम्पशन है, डेरिवेटिव सबसम्पशन है, सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग है, कॉम्बिनेटोरियल लर्निंग है। तो वो इसलिए मैंने छोड़ दिया कि बहुत लंबा हो जाता। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट ऑसिबल्स एडवांस ऑर्गेनाइजर्स प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर फॉर स्टूडेंट थिंकिंग, नॉट जस्ट अ स्ट्रक्चर फॉर लेसन देमसेल्व्स। हमको छात्र की थिंकिंग के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना है, ना कि लेसन के लिए बनाना है। ये बात खास है जो ध्यान में रखनी है। इन दिस वे स्टूडेंट्स आर इंगेज इन एक्टिव लर्निंग, है ना। वो एक्टिवली इंगेज होंगे, वो सोचेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग इस्तेमाल करेंगे। तो उससे क्या होगा, एडिंग टू द एग्जिस्टिंग लेक्चर एंड अदर पोटेंशियली पैसिव एक्टिविटीज दैट आर ऑफर्ड इन द क्लासरूम। जैसे वो पैसिवली बिहेव नहीं करेंगे, एक्टिविटीज में एक्टिवली बिहेव करेंगे, भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। एन एडवांस ऑर्गेनाइजर हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज न्यू मटेरियल बाय आउटलाइनिंग, अरेंजिंग एंड सीक्वेंसिंग द मेन आइडिया ऑफ द न्यू मटेरियल बेस्ड ऑन व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज। हमको उसकी आउटलाइन बनाना है, उसको उस तरह से अरेंज करना है, उस तरह से उसका सीक्वेंस सेट करना है जिससे कि जो विद्यार्थी है वो ऑलरेडी जो जानता है उससे उसको रिलेट कर सके। एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर्स यूज फेमिलियर टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स टू लिंक व्हाट द स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो टू द न्यू इन्फॉर्मेशन दैट विल बी प्रेजेंटेड इन द लेसन, व्हिच एड्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज एंड क्रिएटिवली अप्लाइंग इट इन न्यू सिचुएशंस। ये हो गया बहुत बार। दिस प्रोसेस हेल्प्स टू इम्बेड द न्यू इन्फॉर्मेशन इन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। इससे क्या होगा, जब हम खुद कॉग्निटिवली इन्वॉल्व होंगे उसकी प्रोसेसिंग में तो वो निश्चित रूप से उसका रिटेंशन ज़्यादा होगा, जो लर्निंग होगी वो मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग होगी, और जो 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 इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी से। फिर यही तो हम चाहते हैं, तब ज़्यादा दिन तक याद रहेगी आपको। एडवांस ऑर्गेनाइजर शुड बी एट अ हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जनरलिटी एंड इंक्लूसिवनेस दैन द कंटेंट टू बी प्रेजेंटेड। यानी कि हमको खास तरीके से उसका इस तरीके से बनाना है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग उसमें इन्वॉल्व हो, हाई लेवल का एब्स्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हो। वो कंटेंट जो कि आप पढ़ाए जाने वाले हैं, मतलब वो कंटेंट जो आप पढ़ाने वाले हैं, वो उससे एक हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जनरलिटी और इंक्लूसिवनेस मांगता है एडवांस ऑर्गेनाइजर। ओह माय गॉड, ठीक है। तो डेविड ऑसबल का कंसेप्ट उन्होंने सबसम्पशन थ्योरी में दिया, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में भी आता है जिसको एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल कहते हैं। वो मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग की बात करते हैं, रोट लर्निंग की बात नहीं करते हैं। और वो कहते हैं कि मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग तभी होगी जब हम क्या करेंगे, जब छात्र ने पहले से पढ़ रखा है उससे हम इंटरलिंकिंग कराएंगे जो छात्र आगे पढ़ने वाला है, आज पढ़ने वाला है। और इसी के टूल के रूप में एडवांस ऑर्गेनाइजर यूज़ किया जाता है, और ज़रूर ज़रूर इसको हमको अपनी टीचिंग में इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बात और ख़ास बताने की, ऑसबल को उतना क्रेडिट नहीं मिला साइकोलॉजी में जिसके कि वो हकदार थे। निश्चित रूप से इनकी ये जो खोज है वो इससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी की हकदार थी, फिर भी नो डाउट ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड ही गॉट मैनी रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स टू। ओके, सो आई हैव कम्प्लीटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, रोल ऑफ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर इन लर्निंग। So thank you all, and don't forget to like and subscribe my channel too, so that you can get learning materials in text form in English and as well as on my Telegram channel, and you can ask your questions, your query, you can provide your feedback there to me. Okay, done from my side.